deveria estar fastidio. जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हो, इस देश की मट्टी बरसों से जिगर पर सहती है और अपने देश के लोगों को आजादी मुबारक कहती है। जनाब अली मेरे मौली सास्ताराम, जनाब अली मेरे मौली सास्ताराम और मेरे प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इतनी हिम्मत दे कि अपने लिए एक अलहदा रियासत, एक अलहदा मुमलिकत और एक अलहदा मुल्क कायम कर सके। वो ख्वाब था एक गुलिस्तान बसाने का, वो ख्वाब था यहाँ के बासियों को तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने का, वो ख्वाब था यहाँ की माओं बहनों बेटियों को फातिमा कौला और सुमैया की तरह पाक दामन बनाने का, ख्वाब था इस ऐसे वतन का जहाँ फिक्र भी मोहम्मद की हो, फतवा भी मोहम्मद का हो, सोच भी मोहम्मद की हो, नजरिया भी मोहम्मद का हो और उम्मत भी मोहम्मद की हो। चुनाचे कुरान ने वो दिन भी देखा, एक बार का ख्वाब पूरा हुआ, लोगों ने 23 मार्च 1940 को किरायदाद मुकासिद पेश की जो हकीकत में किरायदाद नहीं बल्कि मुसलमान अपनी आरजू और तमन्ना अल्लाह को पेश कर रहे थे और ये बता रहे थे मुसलमान तकदीर का पाबंद नहीं। तकदीर के पाबंद तो जमादार, नबतार और अवनार होते हैं। खुदा की कसम उन्होंने इस बात को पूरा कर दिखाया। जो 14 अगस्त को 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने हिजरत की उनमें से 50 लाख के करीब शहीद हो गए। 50 लाख उस ख्वाब जुटू हुए अंग्रेजों की साजिशों को रोक कर हिंदुओं के नजरिए को सपोर्ट करते हुए मेरे मोहसिन फातह बनकर मेरे मोहसिन अलामा मोहम्मद इकबाल उस ख्वाब की तबीर बनकर पाकिस्तान के हकीकी हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। जनाब अली आज हम मुसव्वर पाकिस्तान के 70 साल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हकीकी और अमली तस्वीर देखते हैं, दिल खून के आंसू होता है, कलेजा मुंह को आता है। कहाँ है वो तसव्वुर, कहाँ है वो नजरिया, कहाँ है वो अली ख्वाब? क्या मेरे कल अलामा मोहम्मद इकबाल ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे कि दाखिली तौर पर दहशत गर्दी और बदअमली का अंदर राज हो, जहाँ कौम की बेटी आफिया सदीकी को अमरीकी राज में झोंक देना ये मौजूदा पाकिस्तान की जो ख्वाहिश हकाइक है। जनाब अली इनका जिम्मेदार कोई और नहीं, कसूरवार कोई गैर नहीं, हमने खुद ही अपने हाथों से इस दुश्मन को उजाड़ा है। शरीके जुर्म न होते तो मुख बरी करते, शरीके जुर्म न होते तो मुख बरी करते, हमें खबर है लुटेरों के ठिकाने की। थैंक्स।